लेकिन आकाश अगर देखा जाए डेब्यू के ऊपर एक ऐसा परफॉर्मेंस आना जब वहां पर आपके पास वो सीनियर खिलाड़ी भी मौजूद हैं, जब आपके पास वहां पर शाहीन शाह अफरीदी भी मौजूद हैं, जिस तरह से उनकी अगर आप बात करें कि सीनियर आपकी बात होती है कि हाँ यार सीनियर खिलाड़ी क्या शायद वहां पर आपका जो है वो ट्रूप को लीड करने वाला है, सीनियर ने वहां पर वैसा कुछ नहीं किया, आमिर जमाल वॉज द नेम जिसने आपको वहां पर बहुत ज्यादा इंप्रेस करके दिखाया है। जैसे ही देखा कि खुर्रम शहजाद शाहीन शाह अफरीदी को बाहर वाली बॉल पे विकेट नहीं मिल रही है, उनको कोई ज्यादा मूवमेंट मिल रही है, लेकिन बैटर जब छोड़ रहे थे इन्होंने क्या किया, बैटर्स को खिलाया, तीन स्टंप्स के बीच में लाइन और लेंथ रखी, बैटर्स को खिलाया। एलेक्स कैरी बीट हुए बोल्ड, मिचेल स्टार्क बीट हुआ बोल्ड, अभी मिचेल मार्श के आउट होने के बाद आप देखो जैसे ही उसके बाद पैट कमिंस आते हैं उनको क्या किया, बाउंसर के साथ थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ डाला, बाउंसर के साथ पीछे स्लिप में कैच, उसके बाद आखिरी विकेट नेथन लायन को भी उसी तरीके से आउट किया। तो आप ये देखो हर एक बैटर के लिए अलग अलग तरीके से आउट किया है। तो जी जुड़ चुके हैं आप सभी के साथ लाइव और ऑल आउट हो चुकी है यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम 487 for 10, 487 रन यहां पर जरूर आज ऑस्ट्रेलिया ने बनाए, 500 के नीचे रह गए। और अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वो 5 ओवर को ऑलमोस्ट खेल हुआ है जब आपका लंच खत्म हुआ, लेकिन एक नाम जिसकी चर्चा आज रहेगी सबसे ज्यादा सबसे आगे, द नेम इज ऑफ आमिर जमाल। आमिर जमाल का परफॉर्मेंस इतना ज्यादा शानदार, 6 विकेट आमिर जमाल ने छटके। जरूर जब लंच खत्म होता है आते ही दूसरे सेशन की पहली गेंद पर वहां पर मिच मार्श का विकेट मिला खुर्रम शहजाद को, लेकिन आमिर जमाल का जो बात मैं आपको कह रहा था कि आपको ये नहीं होने देना है कि आप किसी भी एंगल से जो है अपनी टेल एंड को वहां पर टिके रहने दे, टेल वहां पर जो है वो जमा रहे, वो आपने नहीं होने देना, ये बात जरूर की वहां पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बॉलिंग ने जो बिल्कुल हमें इंप्रेस किया। बट यस ये एक पॉइंट आप देखें कि आमिर जमाल को आकाश विकेट्स किस गति से मिली, 136 की पेस रहती है, 139 की विकेट रहती है, और वो टेस्टिंग लाइन और लेंथ लगातार आमिर जमाल की तरफ से आई, डेथ को पूरी तरह से जो टेल एंड था ऑस्ट्रेलिया का उसे बिल्कुल भी आप कह सकते हैं कि कहीं का नहीं छोड़ा। और ये बताया है आमिर जमाल ने कि इस खिलाड़ी ने आकाश वो जो टेस्टिंग रीजन होते हैं ना आपके लिए, जो आपके लिए शॉर्ट होती है बॉल, शॉर्ट गुड लेंथ से थोड़ा सा पहले शॉर्ट बॉल, वहां पर आमिर जमाल को जो है वो सारी की सारी विकेट्स मिली। जरूर इन्होंने रन्स थोड़े ज्यादा खाए, लेकिन आकाश डेब्यू पर 6 विकेट हॉल लेना ऑस्ट्रेलिया के अंदर यही बताता है आपके लिए कि हाँ यार ये खिलाड़ी यहाँ पर जो है वो रहने के लिए आया है। और अगर आप आमिर जमाल की विकेट्स के ऊपर आकाश नजर भी डालें, इस खिलाड़ी ने जाल बुनाया है, ये नहीं कि इनको विकेट मिल गई। अब डेविड वार्नर का आउट करने का तरीका देखें, शॉर्ट बॉल लेग साइड पे वहां पर फील्डर को तैनात किया, उससे पहले अगर आप देखें कट लगाने के प्रयास में स्टीव स्मिथ का विकेट, फिर वहां से बोल्ड आउट भी निकाला, दो बोल्ड आउट वो जो खासकर आए थे मिडल ऑर्डर में, जिस तरह से आमिर जमाल ने वहां पर गेंदबाजी की है और अच्छी टेस्टिंग लाइन और लेंथ पर इस खिलाड़ी ने टेस्ट किया है। और ये सबसे बेहतर बात रही आमिर जमाल की आज कि आमिर जमाल ने आकाश जो आपकी टेल को बिल्कुल एकदम से चलता कर दिया, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उन्होंने खत्म किया, बिकॉज आप अपनी टीम के ऊपर वो एक्स्ट्रा रन्स का बर्डन नहीं आने देना चाहते थे। अगर आप देखें भाई यहां पर एग्जैक्ट आंकड़े, लगभग 20.2 ओवर्स आमिर जमाल ने वहां पर फेंके, 111 रन दिए, 6 विकेट इन्हें मिलते हैं और 5.5 का इकोनॉमी रेट वहां पर रहा है आमिर जमाल का। काश ड्रीम डेब्यू फॉर दिस गाय, 100% ड्रीम डेब्यू। और बताया है कि टेस्ट क्रिकेट में किस तरीके से कौन से लेंथ पर आपको विकेट मिलती है, टेस्ट क्रिकेट में रेड बॉल खेलना कितना इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिक खेलना कितना इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देखकर ये टीम में सिलेक्शन पाई, ऐसे नहीं हुआ था, डोमेस्टिक में लगातार अच्छा परफॉर्मेंस किया था, रिकॉर्ड बहुत इंप्रेसिव है, डोमेस्टिक में भी 80 विकेट के आसपास कुछ 76-77 विकेट ले लिए उन्होंने, 78 मैच में 76 विकेट इन्होंने डोमेस्टिक में निकाले, तब जाकर पाकिस्तान के लिए खेलने का मौका मिला। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट थी, रन्स पड़ गए 5.5 की इकोनॉमी रेट से, वो आप मत देखो, लेकिन 6 विकेटें जो निकाली आप वो देखो, और हर विकेट के अंदर कहीं ना कहीं वो प्लानिंग नजर आ रही थी। आज क्या किया, कल बाउंसर पे विकेट निकाला प्लानिंग के साथ, वार्नर को चलता किया, आज क्या किया, आज जैसे ही देखा कि खुर्रम शहजाद शाहीन शाह अफरीदी को बाहर वाली बॉल पे विकेट्स नहीं मिल रही है, उनको कोई ज्यादा मूवमेंट मिल रही है, लेकिन बैटर्स जब छोड़ रहे थे इन्होंने क्या किया, बैटर्स को खिलाया, तीन स्टंप्स के बीच में लाइन और लेंथ रखी, बैटर्स को खिलाया। एलेक्स कैरी बीट हुए बोल्ड, मिचेल स्टार्क बीट हुआ बोल्ड, अभी मिचेल मार्श के आउट होने के बाद आप देखो जैसे ही उसके बाद पैट कमिंस आते हैं उनको क्या किया, बाउंसर के साथ थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ डाला, बाउंसर के साथ पीछे स्लिप में कैच,
उसके बाद आखिरी विकेट नेथन लायन को भी उसी तरीके से आउट किया। तो आप ये देखो हर एक बैटर के लिए अलग अलग तरीके से आउट किया है। आयुष एक बार व्हाट्सएप ग्रुप देख लीजिए और डबल स्क्रीन पे आमिर जमाल की फोटो लगाकर रखे जो उनके स्कोर कार्ड के आंकड़े जब तक कहें उसी को लगाकर रखिएगा आप। लेकिन आकाश अगर देखा जाए डेब्यू के ऊपर एक ऐसा परफॉर्मेंस आना जब वहां पर आपके पास वो सीनियर खिलाड़ी भी मौजूद है, जब आपके पास वहां पर शाहीन शाह अफरीदी भी मौजूद है, जिस तरह से उनकी अगर आप बात करें कि सीनियर आपकी बात होती है कि हाँ यार सीनियर खिलाड़ी क्या शायद वहां पर आपका जो है वो ट्रूप को लीड करने वाला सीनियर ने वहां पर वैसा कुछ नहीं किया। आमिर जमाल वाज द नेम जिसने आपको वहां पर बहुत ज्यादा इंप्रेस करके दिखाया है जो परफॉर्मेंस आमिर जमाल की तरफ से आया है। बिकॉज आकाश ये एक पॉइंट आप ये देखिए कि इस खिलाड़ी की स्ट्रगल की जर्नी कितनी ज्यादा रही है। आयुष आमिर जमाल की फोटो डबल स्क्रीन पे चला दो, जो उनके स्टैट्स हैं वो चलाओ डबल स्क्रीन पे, लगे रहने दो इसको। अगर आप इनकी स्ट्रगल देखें आकाश किस तरह का इस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस आया है, बिकॉज दिस प्लेयर अगर हम देखें तो आकाश अब से पिछले दो साल में जो इनकी स्ट्रगल रही है ऊबर चलाना, सिडनी के अंदर क्लब क्रिकेट खेलना, ये बताते हैं कि भाई इन्होंने ऊबर अपने शौक में नहीं चलाई, फॉर मेकिंग हिज एंड्स मीट, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए इन्होंने वहां पर आकाश उबर चलाई, बिल्कुल अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए उबर चलाई, सिडनी में रहकर क्लब क्रिकेट खेला ताकि आप अपने स्किल को, अपने तेज गेंदबाजी की स्किल को आप यहां से और भी ज्यादा बेहतर कर पाए। और एक इस तरह का डेब्यू, वो भी आप एक ऑलराउंडर कैटेगरी के प्लेयर हैं एंड पाकिस्तान इज स्ट्रगलिंग फॉर अ फास्ट बॉलर ऑलराउंडर। यहां पर बात हुई आमिर जमाल की इस जर्नी की जहां पर इन्होंने अपने एंड्स मीट करने के लिए ऊपर चलाई। आमिर जमाल की मैं आपको T20 डेब्यू की तरफ ले चलता हूं। T20 डेब्यू भाई इस लड़के का होता है पहला मैच 6 गेंदों में 15 रन डिफेंड करने को दे दिए। सामने इंग्लैंड का सेट बल्लेबाज खड़ा है मोइन अली, ट्रैक है पाकिस्तान के वो सीमेंट वाले पिच रोड वाले, वहां पे उस सीमेंट रोड वाले पिचेस पे भी भाई आमिर जमाल ने सिर्फ 8 रन दिए थे, आपने म्यूट नहीं की, सिर्फ 8 रन, एक वाइड 4 डॉट 1 छक्का, छक्का भी गेंद इनके हाथ से छूट गई थी। बट आप ये देखिए जहां लड़के ने 6 गेंदों में 15 रन अपने T20 के डेब्यू में डिफेंड किए और उसके बाद ज्यादा मौके आपने T20 में आमिर जमाल को दिए नहीं, आपने इसको T20 में वहां मौके नहीं दिए। टेस्ट में लड़के की डेब्यू हुई है, टेस्ट में आते ही इसने बता दिया कि भाई आप लोग तो जा रहे हो फहीम अशरफ की तरफ बार 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 बार, T20 वर्ल्ड कप में फहीम अशरफ ले गए, एशिया कप में आप फहीम अशरफ को लेके जा रहे हो, एशिया कप में आप फहीम अशरफ से मैचेस खिलवा रहे हो, लेकिन जो आपकी एक मेन सिचुएशन आती है, लेकिन जो आपकी एक मेन परिस्थिति आती है जहां पर आपको चाहिए होता है तेज गेंदबाज ऑलराउंडर, पूरा पाकिस्तान भाई रोला डालता है भाई हमारे पास हार्दिक पांड्या जैसा तेज गेंदबाज ऑलराउंडर नहीं है, हमारे पास हार्दिक पांड्या जैसा तेज गेंदबाज ऑलराउंडर नहीं है, आपके पास लड़के पड़े हैं, बस आपको लड़कों को तराशने की जरूरत है। दिस हियर आई विल ऑल्सो आकाश आई विल अप्रिशिएट शान मसूद कैप्टनसी। शान मसूद ने इस बात का जिगरा रखा कि भाई एक मेरे पास वही मशरफ है तेज गेंदबाज ऑलराउंडर, मेरे पास एक और लड़का है आपके पास पीछे से आपकी आवाज आमिर जमाल, इन्होंने जिगरा रखा कि भाई आमिर जमाल अच्छा बॉलर है मुझे उसके साथ जाना है, बिकॉज आपके पास फहीम अशरफ है, थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, आपको उस चीज को रिस्पेक्ट करते हुए फहीम अशरफ को देना था मौका, उसको प्लेइंग 11 में डालना था, बट उसी के साथ आमिर जमाल के साथ भी गए, जबकि आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद दोनों के डेब्यू के साथ ये सवाल उठाए गए, ये सवाल वहां बार बार उठाए गए इन दोनों के डेब्यू के साथ कि आप यहां पर कोई गलती तो नहीं कर रहे, आपके पास पीछे मोहम्मद वसीम जूनियर है, आपके पास पीछे हसन अली है, इन दोनों को खिलाकर आप एक साथ वो गलती तो नहीं कर रहे हो कि दिक्कत तो नहीं हो जाएगी आपको, आपको याद होगा। लेकिन इस खिलाड़ी ने आके बताया, देखो आकाश 6 विकेट इसको मिले, खुर्रम शहजाद को आप देखो, खुर्रम शहजाद को 2 विकेट मिले, बाकी सबको बाकी दोनों को फहीम अशरफ को 1 विकेट और शाहीन 1 विकेट लेने के बाद अपनी फ्लाइंग किसेस दिखा रहा था, वाइस कैप्टन था वो टीम का, बट नॉट एट ऑल अ परफॉर्मेंस लाइक द वाइस।